नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम करण दुग्गल है। स्वागत आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ अपनी अदर कंस्ट्रक्शन साइट पर, जहाँ पर हमने एक बहुत ही छोटे प्लॉट पर बहुत ही ब्यूटीफुल हाउस, हमने डुप्लेक्स हाउस हमने जो बनाया है जो कि जयपुर में लोकेटेड है। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपको दिखाता हूँ एक डुप्लेक्स हाउस जो कि बहुत ही छोटे प्लॉट पर है। वो प्लॉट भी प्लॉट साइज में मैं आपको बताऊँगा। तो आइए दोस्तों, चलते हैं अंदर। दोस्तों, ये आप इसका फ्रंट एलिवेशन देख रहे हैं सामने, ये हमारा फाइनल पेंट का टच चल रहा है। ये दोस्तों, हम ड्राइंग रूम में एंटर कर रहे हैं। डोर आप देख सकते हैं, हमने 7 फीट का डोर इसमें दिया है। ये हमारा ड्राइंग रूम है और इसके राइट साइड पर डाइनिंग एरिया, और ये हमने मॉड्यूलर किचन इसके अंदर रेडी की है। ड्राइंग रूम फिर से, ये जब क्योंकि ये डुप्लेक्स हाउस है तो इसकी भी जो स्टेयर्स हैं वो अंदर से रहती हैं। ये फर्स्ट बेडरूम है दोस्तों, लेफ्ट साइड पर। इसकी डोर की साइज भी आप देख सकते हैं। सीलिंग हमने दी है इसमें। और ये रेस्ट रूम, विद ड्रेसिंग एरिया, कपबोर्ड हमने रेस्ट रूम के अंदर ही दिए हैं इसमें। गीजर हमने लगा, बट इसमें टिल रूफ नहीं है दोस्तों। और इस रेस्टरूम के डबल साइड से एंट्री है, एक आप बेडरूम के साथ भी अटैच है और दूसरा रूम के साथ भी। आइए मैं आपको अब ऊपर लेकर चलता हूँ, ऊपर के बेडरूम आपको। ऊपर दोस्तों दो बेडरूम दिए हैं, एक बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पर और दो बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पर। ये थोड़ा सा लिविंग एरिया दिया है इसमें, राइट साइड पर सेकंड बेडरूम, सामने एक सेकंड बेडरूम देख रहे हैं, राइट साइड पर थर्ड बेडरूम है। स्टेयरकेस का एरिया, ये जो हमने लॉबी इसमें छोड़ी है वो है। ऊपर सीलिंग दी है, एसी की इंटरनल फिटिंग हमने करके दी है इसमें। ये जो हमने डोर दिए हैं दोस्तों, ये साउंड प्रूफ हैं। फर्स्ट बालकनी, फ्रंट बालकनी जो कि ड्राइंग रूम से और बेडरूम से भी अटैच है। ये फर्स्ट फ्लोर पर जो फर्स्ट बेडरूम है, विद कपबोर्ड, जो टिल रूफ नहीं है। विद सीलिंग, फैन भी दोस्तों हमने इसमें लगा के दिए हैं, सीलिंग फैन। ये जो मैंने आपको दिखाई थी फ्रंट बालकनी जो कि ड्राइंग रूम और बेडरूम के साथ दोनों से ही एक्सेस है इसका। अटैच रेस्ट रूम, रेस्ट रूम में दोस्तों हमने ग्रोहे और जगवार की फिटिंग दी है। सेकंड बेडरूम ऑन फर्स्ट फ्लोर। डोर्स की हाइट देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी हाइट हमने दी है, जिससे कि घर काफी ओपन और
स्पेसियस लगता है। सीलिंग फैन, कपाट सब हमने कंप्लीट करके इसमें दिया है। अटैच रेस्ट रूम फर्स्ट फ्लोर पर, सेकंड बेडरूम के साथ भी अटैच रेस्ट रूम है ये। बैक साइड बालकनी, आइए मैं आपको रूफ पर लेकर चलता हूँ। यहाँ भी हमने स्पेस दिया है स्टोरेज के लिए। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ काम चल रहा है। और ये हमने टॉप फ्लोर पर भी एक रूम 10x10 का रूम बना के दिया है। इसके साथ इधर से हमने इसको दो दरवाजे डबल डोर दिया था। और यहाँ पर अब हम ओनर के कहने पर एक रेस्ट रूम हम बना के दे रहे हैं। ये है जो सर्वेंट रूम यूज़ कर सकता है। ये आप देख रहे हैं रूप से, ये ओपन व्यू है इधर का जहाँ से शिवालिक है। दोस्तों आज जो आपने ये डुप्लेक्स देखा, ये सिर्फ और सिर्फ 93 स्क्वायर यार्ड पर हमने प्लॉट 93 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट पर हमने बना के दिया है क्लाइंट को। दोस्तों ये डुप्लेक्स आपको कैसा लगा ये मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये दो दिन पहले ही मैंने इसकी रजिस्ट्री ओनर के नाम करवाई है। ये इसके ओनर भी आज हमारे साथ थे क्योंकि इनका कुछ काम पेंडिंग था जो इन्होंने एक्स्ट्रा करवाया है, वो काम आज चल रहा है ऊपर जैसा कि आपने देखा भी होगा। ये हमने पहले बिल्ड किया था फिर हमने इसको सेल किया है। तो दोस्तों इसी तरह की कंस्ट्रक्शन अगर आप करवाना चाहते हैं तो आप दुग्गल कंस्ट्रक्शन से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फ़ोन नंबर आप मेरा स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर आपने हमारी वेबसाइट विज़िट करनी है तो duggalconstruction.com पर आप विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर अभी आप हमें विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं हमारा काम, उस पर आप देख सकते हैं। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा, डुप्लेक्स हाउस अगर आपको पसंद आया तो कमेंट और लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए और लेकर आता रहूँगा। दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए, आपका अपना करम दुग्गल। थैंक यू सो मच।